मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस सत्र में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो भी आपके रेलवे के एग्जाम में दोस्तों पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं साइंस के, वो डिस्कस कर रहे हैं। साथ में दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और दोस्तों न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करें दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही है, जल्दी से करिए आप लोग आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका न्यूमेरिकल है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। ये पूरा सेशन दोस्तों बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न बेस्ड बनाया गया है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल दोस्तों सब मिलेगा आपको देखने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। 80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, बताइए जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। ये आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में, ध्यान रखिएगा, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी आपसे पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए। SN इक्वल्स टू यू प्लस ए वाई टू एन माइनस वन। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ एन दोस्तों क्या होता है, जो भी आपसे सेकंड पूछा जाए, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में, छठे सेकंड में, तो दोस्तों वो आपकी एन की वैल्यू, और ए आप जानती हैं क्या है, त्वरण है दोस्तों, यू आपका प्रारंभिक वेग है। तो दोस्तों हमको किसमें पूछा गया, चौथे सेकंड में पूछा गया है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, चौथे सेकंड का निकालते हैं दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखिए, कोई वस्तु ऊपर से सिर्फ छोड़ी गई है, ठीक है, तो उसका प्रारंभिक वेग दोस्तों क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं वस्तु, जब वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो दोस्तों त्वरण की जगह क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 10। तो दोस्तों यहाँ पे हम 10 रख लेंगे, 10/2, 2×4 -8। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, 4×8 -1 = 7, 7×5 = 35, यानी 35 मीटर की दूरी तय कर लेगा चौथे सेकंड में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिस किसी को भी ये रिलेशन याद ना हो, ये रिलेशन दोस्तों ज़रूर याद कर ले, ये इससे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके रेलवे में पूछा गया है। मेंडलीव की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा गलत है, बताइए दोस्तों। आप सभी जानते हैं मेंडलीव ने दोस्तों सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज की थी, इनके समय दोस्तों ज्ञात तत्व कितने थे, 63। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जब उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ी थी और उसकी भविष्यवाणी की थी, और उनके कुछ नाम भी दिए थे, जैसे ए का बोरॉन नाम दिया था, उसकी जगह पे दोस्तों हमें क्या मिला, स्कैंडियम मिला, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ए का मैग्नीज उन्होंने नाम दिया तो उसकी जगह पे दोस्तों क्या मिला, टेक्निटियम मिला, ये भी बिल्कुल सही है। ए का एल्युमिनियम भी उन्होंने एक नाम दिया था, जिसकी क्वालिटी दोस्तों किससे मिली, गैलियम से मिली, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा है कौन सा गलत, क्योंकि दोस्तों उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ए का सिलिकॉन कहा था, क्या कहा था, ए का सिलिकॉन नाम से दोस्तों नाम दिया था, और उन्होंने उसकी जगह पे हमको मिला क्या था दोस्तों, जर्मेनियम मिला था। ठीक है, तो ये नाम अदल बदल कर दिएगा, इसलिए दोस्तों ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, चलिए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति। एक सेकंड में जो भी जितने भी कंपन होंगे उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। तो आपको दिया क्या है दोस्तों, 2.5 सेकंड में, 2.5 सेकंड में दोस्तों कितने कंपन हो रहे हैं, 40। तो एक सेकंड में कितने कंपन होंगे, 40/2 पॉइंट हटाएंगे 0, सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, तो एक सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, भाग देने पर 16, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16 हर्ट्ज। ठीक है, और दोस्तों इस सेशन की पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों।
पहाड़ से गिर रही वस्तु में क्या होता है? बताइए दोस्तों, ये आपका पहाड़ है, ये कोई वस्तु है, ये दोस्तों गिरती जा रही है और नीचे आती जा रही है, तो दोस्तों इसमें कौन सी ऊर्जा होगी बताइए, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु ऊपर से जब नीचे गिरती है तो दोस्तों उसमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही, और साथ में दोस्तों ये क्या है, कुछ ऊंचाई पे स्थित है ना ये बॉडी पिंड, तो दोस्तों जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित होती है तो इसमें क्या हो जाएगी, स्थित ऊर्जा भी स्टोर होगी, जो नीचे आते आते क्या हो जाएगी, कम। जब वस्तु आपकी टोटल नीचे आ जाएगी, धरातल पर आ जाएगी दोस्तों, तो आपकी स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य, यानी दोस्तों इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है पहाड़ से गिरती हुई वस्तु में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। एक एथलीट, दोस्तों ये 200 होगा, 2000 नहीं, ठीक है। एक एथलीट 200 मीटर व्यास वाले गोलाकार पथ पर आधे चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन क्या होगा, बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका व्यास कितना दे रखा है दोस्तों, 200 मीटर, ठीक है। मान लीजिए एथलीट दोस्तों इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और चल कर इस पॉइंट पर उसका एंड हो गया, क्योंकि आधे चक्कर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसने टोटल कितना विस्थापन तय किया होगा, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विस्थापन। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ये आया तो इसकी बीच की दोस्तों न्यूनतम दूरी क्या होगी, इसकी व्यास ही होगा, जो कि कितना दिया है, 200 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 200 मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अगर आपसे दूरी पूछ ले फिर क्या होगा आपका आंसर बताइए, अगर आपसे इस क्वेश्चन में दूरी पूछ लेता तो क्या होता, तो दूरी दोस्तों क्या होगी, ये होगी कुल तयपथ की दूरी को दोस्तों क्या बोलते हैं, दूरी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होगा, परिमाप लेंगे तो दोस्तों क्या है, ये अर्ध परिमाप चल रहा है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, पाई आर, पाई की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 3.14, रेडियस दोस्तों कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा होती है तो रेडियस हो जाएगी 100, तो दोस्तों दूरी टोटल कितनी चली होगी उसने, 314 मीटर। अगर आपसे दूरी पूछ लेते तब आपका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। तो शक्ति की एसआई इकाई दोस्तों क्या होती है, वाट होती है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा, तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। जब भी कोई कण दोस्तों गति में हो, मोशन में हो, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, जो कि क्या होती है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ mv स्क्वायर। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा हमको दे रखी है 125 जूल, ठीक है। द्रव्यमान दोस्तों आपसे पूछा गया है, वेग हमको कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 25, ठीक। तो 25 पंजे क्या होता है, 125, और दोस्तों 5 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 किलोग्राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों, रेलवे आवाजाणी से भर भर के दोस्तों क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए आवाजाणी की किस आवर्त में एक भी धातु नहीं होता, बताइए दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 7, पहले तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसको भी मालूम ना हो याद कर ले। और वर्ग कॉलम कितने होते हैं दोस्तों, कॉलम कितने होते हैं दोस्तों, 18 होते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने जब भी आवर्तसारणी देखेंगे तो जो उसका आवर्त पीरियड पहला होता है, सिर्फ उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि दोनों ही अधातु हैं, यानी दोस्तों आवर्त एक में एक भी धातु नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आंसर करिए। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों जब आवर्त सारणी देखेंगे तो सिर्फ एक ही इसमें ऐसा तत्व है जो चौथे आवर्त में सुटेबल है, वो है ब्रोमीन, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये भी आप लोग याद रखिए, जब भी आप आवर्त सारणी में लेफ्ट
टू राइट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस दोस्तों क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन डी ब्रोमीन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों क्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन तीनों ही चौथे आवर्त में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फिर से दोस्तों एक आवर्त सारणी से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं बताइए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आवर्त सारणी में जो आपका वर्ग एक और दो होता है दोस्तों, ये कौन से ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है। ठीक है, फिर आपका दोस्तों 3 से लेके 12 तक के जो ग्रुप होते हैं दोस्तों, वो आपका कौन से ग्रुप में होते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, फिर आपका 13 से लेके जो 18 तक दोस्तों ग्रुप होते हैं, वो आपके दोस्तों किस ब्लॉक में होते हैं, पी ब्लॉक में होते हैं। और नीचे दोस्तों जो आवर्त सारणी में दो पट्टियाँ होती हैं दोस्तों, वो आपकी एफ ब्लॉक में आती हैं। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं, तो दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं, वर्ग 3 से 12 के बीच में। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 से 12 के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के भी, रेलवे के एग्जाम में भी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 9.46 × 10^15 मीटर, या दोस्तों 10^12 किलोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू भी आप लोग याद रखिएगा, सिंगल वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है बताइए, अगर पानी के अंदर दोस्तों आपको ध्वनि सुनना हो तो उसके लिए कौन सा यंत्र, कौन सा गैजेट यूज़ करेंगे आप, तो दोस्तों कौन सा यूज़ करेंगे, हाइड्रोफोन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोफोन का प्रयोग, ठीक है, पानी के अंदर ध्वनि का यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान होगा बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो दोस्तों इन दोनों के विमीय सूत्र भी समान होंगे, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वैसे इनका विमीय सूत्र होगा क्या, ML²T-2। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, इनका डायमेंशन फॉर्मूला विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा और कार्य का, ML²T-2। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन रखे जाते हैं बताइए दोस्तों, हैलोजन ग्रुप कौन सा कहलाता है आवर्त सारणी में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे जो 18वां ग्रुप होता है दोस्तों, ये कौन सा ग्रुप होता है, नोबल गैस का। ठीक है दोस्तों, जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल्स। और दोस्तों जो आपका ग्रुप 16 होता है दोस्तों, ये आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीजन फैमिली, क्या कहलाता है, ऑक्सीजन फैमिली दोस्तों, इसको हम लोग चालकोजेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चालकोजेंस। अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों चालकोजेंस फैमिली कौन सी है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो बचा क्या दोस्तों, 17, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ग्रुप 17 होता है दोस्तों, उसको हैलोजन फैमिली कहा जाता है। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आंसर करिए। द्रव्य के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। जब भी कोई लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों वो क्या कहलाएगी, आपकी फ्रीजिंग कहलाएगी। जैसे पानी दोस्तों लिक्विड है, उसको आप दोस्तों बर्फ़ में अपन कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी, ठोस। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है प्रोसेस, फ्रीजिंग, हिमीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से आंसर करिए। आमतौर पर तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमानों को किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए।
किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है दोस्तों? तो सोलर मास, सौर द्रव्यमान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आमतौर पर जो तारे और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को दोस्तों किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? सोलर मास, सौर द्रव्यमान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें 25 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, बताइए? पीतल, इस्पात, एल्यूमिनियम या लोहा, क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? तो दोस्तों सबसे अधिक ध्वनि का वेग किस में होगा? एल्यूमिनियम में होता है। कितना होता है दोस्तों? 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होगा? एल्यूमिनियम में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, मनुष्य में आहार नाल किस से शुरू होता है और गुदा में समाप्त होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो भी आहार नाल है दोस्तों कहाँ से शुरू होती है? अपनी मुख से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म हो जाती है? गुदा, एनस पर ख़त्म हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए माउथ, मुख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले माउथ से एनस तक की दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितना होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 8 से 10 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। निम्न में से कौन तापमान टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं फॉरेनहाइट भी टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, केल्विन भी तापमान मापने के लिए, और सेल्सियस भी तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पास्कल दोस्तों किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की, दाब की। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पास्कल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा होगा, बताइए? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तल लेंस में हर कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, जल्दी से बताइए? आपका वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक यानी रियल बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, आपका रिवर्स बनेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक कंडीशन ऐसी होती है उत्तल लेंस में, जब भी आप वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तब आपकी वस्तु कैसी बनेगी दोस्तों? आभासी बनेगा आपका प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, उत्तल लेंस में हर कंडीशन में दोस्तों आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन, जब वस्तु को आप फोकस और लेंस के बीच में रहेंगे उस कंडीशन में हमेशा दोस्तों उत्तल लेंस में कैसा आपका प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, सीधा यानी काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आया, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और सेशन की PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।